किस तरह से रहेगा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का हाल? क्या ये 49,000 क्रॉस करेगा, क्या ये 50,000 क्रॉस करेगा, या तो फिर ये नीचे की तरफ गिर सकता है? चलिए इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी बैंक निफ्टी की प्लानिंग क्या रह सकती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। और इस वीक अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने 49,052 का हाई बनाया है, क्लोज भी अच्छा दिया हुआ है, पॉजिटिव क्लोज दिया है। जो क्लोज दिया है इट इज एट 48,971। अब बस एक ही चीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, 8 अप्रैल वाला वीक, उस वीक का हाई बना था 49,057, और 49,057 का हाई बना के बैंक निफ्टी ने नेक्स्ट वीक में जो लो बनाया था दैट वाज 46,579। यहां तक अब वही सेम लेवल पे 8 अप्रैल वाले वीक में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 42,057। करंट वीक में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 49,053। सेम लेवल आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो। क्या ये लेवल बैंक निफ्टी को वापस नीचे की तरफ ला सकता है? दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर, एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर ऑन दिस। आपको क्या लगता है, क्या बैंक निफ्टी इस लेवल की वजह से नीचे फॉल होगा, या तो इट विल गो अप एंड इट विल ब्रेक 49,000 इजीली? व्हाट इज योर थॉट अबाउट दैट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो यस, मेरे हिसाब से देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, ये अगर बैंक निफ्टी को बुलिश जाना है, इफ बैंक निफ्टी इज एक्चुअली बुलिश, बैंक निफ्टी इज रियली बुलिश, ये जो 49,052 का हाई है उसके ऊपर मिनिमम 10-15 मिनट्स बैंक निफ्टी सर्वाइव करना चाहिए। जब मंडे मार्केट खुलेगा, मंडे ट्यूजडे कभी, अगर 49,052 के अबव बैंक निफ्टी सर्वाइव करता है, सस्टेन करता है फॉर मिनिमम 10-15 मिनट्स, तब जाके हम कह सकते हैं यस, बैंक निफ्टी इज एक्चुअली बुलिश। अब ये नए नए हाई बनाने के मूड में है, और मेरा यू नो आई फॉर्मली बिलीव कि अगर ये हाई क्रॉस कर गया तो फिर हम यहाँ पे लाइफ टाइम हाई जो बनाया 49,974 वहां तक जाते हुए देख सकते हैं। सिर्फ 1000 पॉइंट की दूरी है बैंक को निफ्टी को नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए। तो यस, अगर 49,057 ब्रेक करके 10-15 मिनट सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पे लाइफ टाइम हाई को टच करते हुए देख सकते हैं, बट अदरवाइज ये फॉल हो गया। देखिए यहाँ पे एक और चीज भी देखनी जरूरी है, अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में जाते हो तो थर्सडे का जो बड़ा कैंडल बना जहां पे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट अप मूव कर गया, दैट वॉज एक्चुअली अ न्यूज बेस्ड कैंडल। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, दैट वॉज अ न्यूज बेस्ड कैंडल, क्योंकि उसके अगले दिन न्यूज आया कि आरबीआई हैज डिसाइडेड टू गिव अ डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख करोड़, जो एक्सपेक्टेड था सिर्फ 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ के सामने अगर 2 लाख करोड़ का डिविडेंड मिल रहा है, देन ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन एज फार एज द गवर्नमेंट एंड एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, एंड दैट पुश द मार्केट अप। नाउ हियर आफ्टर द न्यूज इज सेटल डाउन, after the dust is settled, this is going to be very very important for us to understand how actually bank nifty is behaving. Is it technically that sound? Okay, second thing, yahan pe daily chart se hi mujhe yahan pe nazar aa raha hai, to main aapko bata dun, meri ek hamesha se favorite strategy rahi hai aur wo hoti hai 3 candle ke beech ka gap. To yahan pe aap dekhenge to ye 3 weekly candle ke beech ek gap ban chuka hai. अब आइडियली तो बैंक निफ्टी को एक गैप फिल अप करके, मतलब के 48,115 तक आके फिर ऊपर जाना चाहिए, और अगर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है तो एटलीस्ट ये गैप 50% तो फिल अप करना ही करना चाहिए। दो चीजें मैं यहां पे आपको पूछना चाहता हूं, ये 3 गैप के बीच की स्ट्रेटजी रियली अमेजिंग, रियली पावरफुल। आपको क्या लगता है, क्या बैंक निफ्टी ये गैप फिल अप करने नीचे 48,115 तक आएगा नेक्स्ट वीक में? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। देखिए दो व्यू मैंने बताए, एक 49,052 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, एंड नंबर टू ये गैप जो नीचे की साइड बना है डेली चार्ट के अंदर, इसको फिलअप करना भी बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है। अगर ये गैप फिलअप करने आता है नीचे की तरफ
तो हमारे लिए एक अच्छी बैरिश मतलब इंट्राडे के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पर बन सकती है और इस लेवल के आसपास आए तब थोड़े केयरफुल रह के आप नया बुलिश पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।